Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Raj Vishwasodhi. And guys, आज की वीडियो में होने वाला है हमारा प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील. प्री वर्कआउट मील में बहुत सारे भाई पूछते हैं क्या मील लें और पोस्ट वर्कआउट में क्या मील लें. प्री वर्कआउट मील आप लोग लेते नहीं हो, प्री वर्कआउट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो. वर्कआउट के बीच में आपको भूख लगना शुरू हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, फिर आप भागते हो आधा वर्कआउट छोड़ के खाना खाने की तरफ. और साथ में मैंने जैसे लास्ट वीडियो बनाया था कि मसल गेन करना है तो क्या क्या सप्लीमेंट लेने, जैसे मैंने बताया था लर्जिनिन ले लो, क्रिएटिन ले लो, प्रोटीन ले लो. तो आधे भाइयों ने बोला भैया ये लेने कैसे कैसे, इनकी डोजेज क्या होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा. देखो मेरे पास मेरा गेनिंग सप्लीमेंट स्टैक है पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है. और मैं ये लेके दिखाऊंगा आज कि मैं खा रहा हूँ तो कैसे खा रहा हूँ, चार डोजेज रख रहा हूँ वर्कआउट से पहले, खा रहा हूँ कितनी देर पहले खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ. और ये जो पूरा मेरा गेनिंग स्टैक आया है मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है. पहले मैं आपको बता दूँ, ये मैंने मंगवाया न्यूट्राबेस, जैसे आपको दिख रहा होगा. तो न्यूट्राबे.com जो वेबसाइट है वो मेरी ट्रस्टेड वेबसाइट है, सबसे ज्यादा ट्रस्ट मैं न्यूट्राबे के ऊपर करता हूँ. आप भी अगर परेशान हो डुप्लीकेसी से या इधर उधर की चीजों, जो आपको लोकल सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, इस चीज से अगर आप भी परेशान हो तो मेक श्योर आप न्यूट्राबे से अपना कोई भी सप्लीमेंट मंगवाएं. 100% ऑथेंटिक साइट है, इसके ऊपर ऑथराइज डीलरशिप है 70+ नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड की. यहाँ से आप बाय कर सकते हैं सप्लीमेंट लाइक वे प्रोटीन, मास गेनर्स, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, क्रिएटिन एटसेट्रा. चाहे आपके जो भी फिटनेस गोल हो, बॉडी बिल्डिंग, वेट लॉस, हाइड्रेशन एंड एनर्जी या जनरल फिटनेस, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा. इनके पास अवेलेबल है सारे सर्टिफिकेशन फ्रॉम ब्रांड्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज. पैन इंडिया डिलीवरी है 2 से 5 दिन के अंदर. आप बहुत फास्ट डिलीवरी है, आप जैसे ही फूड सप्लीमेंट आपका ऑर्डर करोगे तो आपका सप्लीमेंट आपके पास 2 से 5 दिन के अंदर पहुंच जाए. अगर आप भी सप्लीमेंट बाय करना चाहते हैं 100% ऑथेंटिक ओरिजिनल, तो न्यूट्राबे का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं. न्यूट्राबे.com का जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं. वहां से जाके आप कभी भी कोई भी सप्लीमेंट, नेशनल इंटरनेशनल, जो आपका मन करे वो आप मंगवा सकते हैं. 100% ओरिजिनल, 100% ऑथेंटिक आपको सप्लीमेंट मिल जाते हैं. तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्टैक की, स्टैक में क्या क्या है और ये कैसे लेना है, वो सारी चीजें मैं आज आपको दिखाता हूँ. ये है सबसे पहले हमारा क्रिएटिन. तो ये है सबसे पहले हमारा ग्लूटामाइन एंड क्रिएटिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी मसल गेन में. दूसरा है हमारा एक वे प्रोटीन. तीसरा है हमारा पीनट बटर. और चौथा है हमारा प्री वर्कआउट. सो गाइस, अभी मैं वर्कआउट करने जाऊंगा, आधे घंटे पहले मैं कह लेता हूँ 2 ब्राउन ब्रेड और थोड़ा सा हमारा पीनट बटर. देखो हेल्दी सोर्स है हमारे फैट का, और ब्रेड है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेना क्यों जरूरी है वर्कआउट से पहले, थोड़ा सा ले लो ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे और आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में ना जाके एनाबॉलिक स्टेट में रहे, ताकि आपकी मसल्स ग्रो करें और आप अपना वर्कआउट उतना परफॉर्म कर पाओ 1 से 1.5 घंटा जितना आप कर सकते हो. अब बात रही है पीनट बटर और ब्रेड की. अगर आपके पास पीनट बटर और ब्रेड नहीं है तो आप 2 से 3 आलू उबाल के खा लें दही के साथ, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है आपके कार्बोहाइड्रेट का. इसके साथ आप थोड़ा सा प्रोटीन शेक लेना चाहे प्रोटीन शेक ले लें. पीनट बटर को आप डाल के शेक बना लें अगर आपको मसल गेन करना है. शकरकंदी आती है, शकरकंदी खा लें. मिक्स श्योर कितने सारे आपको ऑप्शंस देती है पीनट बटर, ये आलू और दही, शकरकंदी, फ्रूट्स खाने फ्रूट्स खा लें. थोड़ा सा शेक बना के पीना तो आप शेक बना के पी लें. पीनट बटर डाल लें, थोड़ा सा दूध डाल लें, उसके अंदर ओट्स खा सकते हैं तो ओट्स खा लें. मेक श्योर वर्कआउट से आधा घंटा पहले आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी रहे कि आप वर्कआउट को परफॉर्म कर पाओ. तो ये मेरी पहली मील है, मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी, वर्कआउट के बाद ही मैं खाना खाऊंगा. और सप्लीमेंट जो लेने हैं वर्कआउट से आधे घंटे पहले वो कैसे लेने हैं वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ. दिस इज माय प्री वर्कआउट मील, मैं इसको फिनिश करके आपको मिलता हूँ. सो गाइस, वर्कआउट से पहले ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट. अब हमारा जो सप्लीमेंट मेन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, इसके मैं 2 टैबलेट ले रहा हूँ, 2 कैप्सूल ले रहा हूँ. मतलब आप जिस भी ब्रांड से न्यूट्राबे से ऑर्डर कर लें, जो भी ब्रांड आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग आपको ठीक लगे, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, बाहर का कोई ब्रांड हो वहां से ले लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. और 2 ले रहा हूं मैं एलार्जिनाइन. अब ये एलार्जिनाइन क्या है, हमारी मसल्स में पंप के लिए. और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर क्या है, हमारे जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसको बढ़ाने के लिए. कोई भी चीज ऐसी नहीं है किसी के अंदर कोई भी केमिकल हो, 100% नेचुरल है सारी चीजें. तो मैं 4 कैप्सूल्स ले रहा हूं वर्कआउट से पहले, आधा घंटा पहले. आप भी इस तरह से
ले सकते हैं। तो अब चलेंगे फटाफट से हमारे जिम, जिम चलकर मिलते हैं हम लोगों को। आज हमने करना है बैक वर्कआउट, और बैक वर्कआउट के बाद हमारी जो मील होगी, जो हमारी पोस्ट वर्कआउट मील होगी, वो क्या होगी वो भी आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। और उसके बाद सप्लीमेंट क्या यूज करने वाले वो भी आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। सो गाइस, हमारे वर्कआउट में रह गए 15 मिनट सिर्फ, और घर के पास बिल्कुल जिम है, मैं 15 मिनट में जिम पहुंच जाऊंगा। अब वर्कआउट से पहले हम ले रहे हैं थोड़ा सा प्री वर्कआउट, आप भी अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है जरूरत नहीं है आपकी बॉडी को तो आप ना लें। आप देख सकते हैं मैं सो के उठा, मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है, वर्कआउट में वो मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं हल्का सा आधा स्कूप प्री वर्कआउट ले रहा हूँ। और इसके अंदर एक 5 ग्राम की क्रिएटिन की सर्विंग है, 5 ग्राम, और एक सर्विंग ले रहा हूं हमारे क्रिएटिन की। देखो हमारे जितने भी ब्रांड आते हैं उनके अंदर जो सर्विंग होती है ना क्रिएटिन की, वो 3 से 5 ग्राम होती है, ठीक है। तो आप एक सर्विंग ले लें वर्कआउट से पहले शुरू के 10 दिन, और एक सर्विंग ले लें प्रोटीन के साथ जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाए वर्कआउट के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी सर्विंग लेंगे, ये देखिए मिक्स हो जाएगा और मैं इसको पीने वाला हूँ। तो क्रिएटिन बहुत हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने में, आपका मसल बढ़ने में, आपकी जो वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो जब वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आप सीधी सी बात है लिफ्ट ज्यादा करोगे, जब लिफ्ट ज्यादा करोगे तो भूख भी ज्यादा लगेगी, तो खाना ज्यादा खाओगे, अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाओगे, लिफ्ट ज्यादा करोगे, तो सीधी सीधी बात है आपका मसल गेन होना शुरू हो जाएगा। सो हियर आई एम ऑल सेट टू गो। अब हम चलते फटाफट से जिम वर्कआउट करेंगे, लेट्स गो। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं जिम, अब जल्दी से करेंगे हमारा वर्कआउट शुरू, थोड़ा सा बैक, थोड़े से बाइसेप्स, और उसके बाद, और ये हमारे जुगनी भाई ओनर ऑफ द जिम मास्टर जिम, अब चल करेंगे वर्कआउट शुरू, लेट्स गो। तो गाइस वर्कआउट हमारा हो गया डन, और वर्कआउट के बाद हम ले रहे हैं हमारे 8x बॉयल एग। बहुत सारे भाई हमारे कहते हैं भैया हमारे पास प्रोटीन खाने के पैसे नहीं है, हमारे घर वाले पैसे नहीं दिलवाते, तो जुगनी भाई प्रोटीन खा लें, अंडे खाने की बात है ना। अभी हमारे 8 अंडे हैं, तो जो लोग लीन बॉडी करना चाह रहे हैं वो लोग एग वाइट खा लें, जो लोग मसल गेन करना चाह रहे हैं तो पूरा अंडा भी खा लें। पूरे अंडे से कोई दिक्कत है जुगनी भाई? कुछ भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग व्हाइट आप खाओगे तो उसमें अंदर आपको मिलेगा 3 ग्राम प्रोटीन, पूरा एक खाने में मिलता है आपको 6 ग्राम प्रोटीन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 से 4 अंडों का आप एग योक भी खा सकते हो, पूरा अंडा आप खा सकते हो। तो अगर हम इसकी प्रोटीन देखें तो 48 ग्राम प्रोटीन, जो कि हमें एक स्कूप से भी ज़्यादा बेटर है। हम कोई भी प्रोटीन लेंगे तो एक स्कूप लेंगे उसके अंदर मिलेगा हमें 24-25 ग्राम प्रोटीन, 2 स्कूप के अंदर मिलेगा हमें 50 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम प्रोटीन हमें अंडों से मिल रहा है। और मेक श्योर, बहुत सारे लोग वर्कआउट करते ही सॉलिड मील की जगह प्रोटीन शेक की तरफ भागते हैं, अगर आपके पास सोर्सेज हैं तो
तो आप मेक श्योर सॉलिड मिल की तरफ जाओ, सोर्सेज नहीं है, टाइम कम है, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो। वे प्रोटीन मैं भी लूंगा अभी, बट पहले मैं अपना ये वाला प्रोटीन खा रहा हूँ, क्योंकि मैच नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि जो जुगी भाई नेचुरल खाने में जो प्रोटीन है वो अगर आप सप्लीमेंट से ले रहे हो तो पूर्ति हो सकती है, बट बराबरी नहीं हो सकती। जो चीज नेचुरल मिल जाएगी वो ऐसे नहीं मिल सकती, वो नहीं मिल सकती। पूर्ति हो सकती है कि हाँ आपको प्रोटीन जरूरत है, आपने पूर्ति कर ली पी के, लेकिन बराबरी नहीं हो सकती। तो बराबरी जो होती है वो सॉलिड फूड से होती है। तो मेक श्योर सॉलिड फूड के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें। अभी मैं पहले मेरे एग्स खाऊंगा, उसके बाद मेरा प्रोटीन शेक लूंगा 20-25 मिनट बाद, और उसके बाद हमारी मिल लेंगे। तो लेट मी हैव माय एग्स, उसके बाद पूरे ही खा रहा हूँ, देख लो यूनिवाइज ले लो। सो गाइस एग्स खाए हुए हमें आधा घंटा हो गया। अब हम ले रहे हैं हमारी मसल रिकवरी और मसल गेन के लिए सबसे धांसू चीज, एक तो हमारा वे प्रोटीन। देखो जैसे मैंने बताया, एक स्कूप मैंने वे प्रोटीन डाल लिया। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि भाई सॉलिड मील के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि मसल गेन जो करेगी ना वो सॉलिड मील करेगी। अगर प्रोटीन से हमें प्रोटीन मिलता है तो हम खाना ही क्यों खाएं, पूरा दिन प्रोटीन ही पी लें ना, भूख तो फिर भी लगेगी, तो खाना तो खाएंगे। और इसके अंदर है हमारा ग्लूटामाइन, एक स्कूप जो स्कूप साइज है इसका, हमारे ग्लूटामाइन के अंदर एक स्कूप डाल रहे हैं, ये हमने डाल दिया। अब इसको मिक्स करके पियो और उसके बाद मसल रिकवरी देखो आपकी, धमाल। ये हमने मिक्स कर दिया, और सॉलिड मील जैसे मैंने बताया, वर्कआउट के जस्ट बाद आप जरूरी नहीं है अंडे ही खाओ। अगर आपको अंडे नहीं खाने, अंडे खा के बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, मन नहीं करता खाने का, आप चिकन खा सकते हो, बॉइल्ड चिकन खा सकते हो, चिकन सैंडविच खा सकते हो, कोई भी ऐसी मील आप खा सकते हो जिससे आप फुल फील करो, और उसके आधे पौने घंटे बाद फिर आप प्रोटीन पियो। प्रोटीन भी पीना है, ऐसा नहीं प्रोटीन नहीं पीना, लेकिन जिनके घर वाले अलाउ नहीं करते या जिनका बजट नहीं प्रोटीन पीने का, उनको अगर ऐसे लगता है खाली प्रोटीन पियोगे तो ही बॉडी बनेगी और मील खाओगे तो कुछ नहीं होगा, तो भाई प्रोटीन अगर आपको अलाउ नहीं है घर से, या आपकी पॉकेट मनी अलाउ नहीं करती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर का खाना खाओ। और गेनिंग तो आपकी खाने से ही होगी, ना कि प्रोटीन से और सप्लीमेंट से। जितना ज्यादा फोकस, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा बूस्ट दे सकते हैं आपके मसल गेन में, सारा जादू इसका नहीं है, सारा गेम है हमारी अच्छी डाइट का। अब यहां से घर जाके आप अपने घर की हेल्दी मील खाओ, राइस खाओ, राजमा खाओ, प्रोटीन भी मिल जाएगा, दाल खाओ। एक प्लेट ऐसी डिजाइन करो जिसके अंदर अच्छा कार्बोहाइड्रेट भी हो, अच्छा प्रोटीन भी हो। ज्यादा दाल खाओ, सोयाबीन खाओ, राजमा खाओ, साथ में थोड़े से चावल, सैलेड, दही, या फिर 2-3 रोटी, राजमा, दाल, सोयाबीन और दही, सैलेड। सैलेड से आपको फाइबर मिल जाएगा, रोटी से और चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, और जो मैं सब्जी बता रहा हूँ उससे आपको प्रोटीन मिल जाएगा। बात रही हमारी मल्टी वाइटामिन और फिश ऑयल की, पूरे दिन के अंदर कभी भी जब आप खाना खाओगे, सॉलिड मील खाओगे, आप घर जाके जैसे मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद आप 2 मल्टी वाइटामिन ले लें, 2 फिश ऑयल ले लें, बात खत्म। ये हो जाएगा आपका इस तरह से, आप शिफ्ट्स में अपनी मील लें और शिफ्ट्स में इस तरह से जैसे मैंने सप्लीमेंट बताया इस तरह से लें, और आप देखेंगे कि आपका मसल गेन बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, और बहुत अच्छी मसल गेनिंग हो रही है। जैसे जैसे मैंने सप्लीमेंट बताया वैसे वैसे ले, और जैसे जैसे मैंने मील बताई है वैसे वैसे ले, वर्कआउट के पहले, वर्कआउट के बाद। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सप्लीमेंट लेना है। नहीं अभी भी कुछ समझ में ना आया होगा तो कमेंट कर देना भाई, बता दूंगा। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय।